दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट वीक दिवाली से पहले बड़ा धमाका, बड़ा झटका यहाँ पे टेलीकॉम कंपनीज को लगा, खास करके एयरटेल आइडिया वोडाफोन को। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों उनको इतना बड़ा झटका दिया कि इन कंपनियों की दिवाली तो वैसे भी अच्छी नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे 92,000 करोड़ का दोस्तों यहाँ पे पेनल्टी लगा है। इनको यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे DOT को, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी भारत सरकार को देना पड़ेगा। अब दोस्तों नई लेटेस्ट अपडेट निकल गई कि यहाँ पे 3 महीने की मोहलत दी है, सिर्फ 3 महीने में ये पैसा देना पड़ेगा इन्हें DOT को। क्या है दोस्तों पूरी अपडेट, क्या दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपने जजमेंट में बोला, उसके बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नो नील चैनल को और हमें बनाइए 1 मिलियन की टेक्नो नील फैमिली। इसके साथ साथ इस घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले सारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इसको इतना सारा पैसा ये सारी कंपनीज अभी देने वाली, एयरटेल आइडिया वोडाफोन दोस्तों, उसके साथ साथ टाटा टेलीकम्युनिकेशन भी, जियो को भी कुछ पैसा देना है। ये क्यों देना है पहले ये बता दूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो से जजमेंट आया था लास्ट वीक दिवाली से पहले दोस्तों, जैसे ये जजमेंट आया सारी की सारी टेलीकॉम कंपनियों को दोस्तों यहां पे मतलब दिवाली में ही झटके दिखने लगे, यहां पे दोस्तों को दिन में तारे दिखने लगे, क्योंकि दोस्तों ऑलमोस्ट एक डिकेड यानी 10 साल से दोस्तों ये केस चल रहा था। एक्चुअल में ये AGR का मैटर है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जिसको बोलती है दोस्तों। जब भी सरकार DOT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सरकार है दोस्तों, जब स्पेक्ट्रम देती है इन लोग कंपनियों को, टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को, तो दोस्तों ये जो कंपनियां थी अपना स्पेक्ट्रम के ऊपर ही कुछ यहाँ पे फीस दिया करती थी, बाकी इनके जो दूसरे अलग अलग बिजनेस होते थे उस पे दोस्तों यहाँ पे सरकार को पैसा नहीं मिलता था। तो सरकार की जब एजेंसी दोस्तों यहाँ पे गई, उन्होंने चेक किया तो पता चला, यहाँ पे आज से 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो पता चला दोस्तों उनको कि यहाँ पे सारी की सारी कंपनियां घोलमेल कर रही है, अपना कुछ ही पोर्शन यहाँ पे सरकार को दे रही है, बाकी की सारा पोर्शन जो उसके ऊपर यहाँ बिल्कुल भी फीस यहाँ पे सरकार को नहीं देनी है। तब दोस्तों उन्होंने एक रिपोर्ट निकाल के बताई कि सरकार को यहाँ पे हजारों करोड़ों का नुकसान हो रहा था, सरकार भी दोस्तों चौंकी और सरकार ने दोस्तों यहाँ पे जाके यहाँ पे इन कंपनियों को दोस्तों कोर्ट में लेके गई। जब दोस्तों टीडी सेट टेलीकॉम डिस्प्यूट और DTH के डिस्प्यूट्स को टीडी सेट ट्रिब्यूनल दोस्तों वही यहां पे हैंडल करती है, टीडी सेट ने क्लियरली फैसला सरकार के हक में दिया, लेकिन ये कंपनी कैसे रुक सकती थी दोस्तों, 20 साल से काम कर रही थी और 10 साल से दोस्तों पैसा बचाती जा रही थी, सरकार को नहीं दे रही थी। तो ये चले गए दोस्तों सबसे बड़ी अदालत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की दोस्तों, उसके बाद चले गए यहां पे दोस्तों लास्ट वीक की जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने दोस्तों यहां पे जो जजमेंट दिया, जो बात यहां पे की वो बात दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण थी कि यहां पे सारी की सारी कंपनियां जो यहां पे ये है इंक्लूडिंग जियो भी, इन सभी को टोटल मिलके दोस्तों 92,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा यहां पे सरकार को यानी डीओटी को देना पड़ेगा दोस्तों, सरकार को देना पड़ेगा 92,000 करोड़ दोस्तों। पूरा मैं आपको सेगमेंटेड बताता हूं टोटल अमाउंट किस तरह से बनता है और क्या है दोस्तों। यहां पे बता दूं सबसे बड़ी जो दो कंपनियां है, सबसे बड़ा जो झटका लगा है वो इन दोनों को ही लगा है, एयरटेल को प्लस यहां पे वोडाफोन आइडिया को दोस्तों। यहां पे बात करता हूं दोस्तों, सबसे ज्यादा जो अमाउंट देनी है वोडाफोन आइडिया को यहां पे देनी है 39,000 करोड़ दोस्तों, ऑलमोस्ट 39,000 करोड़ यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को देनी है। एयरटेल भी कम नहीं दोस्तों, एयरटेल को 41,000 करोड़ यहाँ पे देना पड़ेगा सरकार को, डीओटी को। उसके बाद दोस्तों जो कंपनी बंद हो चुकी है टाटा टेली सर्विसेज, जिसको ज्यादा कुछ फर्क लगता नहीं मुझे पड़ेगा, उसको भी 13,000 करोड़ देना है, 13,000 करोड़ टाटा टेली सर्विस को देना। फ्रेंड्स इस हिसाब से दोस्तों सारी की सारी कंपनी उसको कुछ ना कुछ यहाँ पे देना है। और अगर बात करूँ जियो की तो जियो के पास ऑलमोस्ट 13 करोड़ समथिंग जियो को देना है, वो एक बड़ी अमाउंट नहीं, लेकिन सबसे बड़ी अमाउंट जो दोस्तों यहाँ पे एयरटेल को और वोडाफोन आइडिया को देनी है ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ दोस्तों इनको इकट्ठा करना है। अब मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा दोस्तों पंगा ये होने वाला है, क्योंकि बीच में से मार्केट में ये भी रूमर्स निकल के आ रहे थे एयरटेल तो दोस्तों जैसे तैसे चीज को कर लेगा, हालांकि 41,000 करोड़ छोटी मोटी अमाउंट नहीं है दोस्तों, वो भी एयरटेल को भी यहां पे पसीने छूटने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहां पे वोडाफोन आइडिया पे निकल के आ रही, जिस दिन से दोस्तों जजमेंट आया लास्ट वीक में, उस दिन ही दोस्तों एक दिन के अंदर एयरटेल वोडाफोन आइडिया का 25% शेयर यहां पे टूट गया, ऑलमोस्ट 4 रुपए समथिंग में दोस्तों इनका शेयर जो है ट्रेंड कर रहा है शेयर मार्केट के अंदर। इनकी दोस्तों मार्केट वैल्यू, मार्केट कैप भी इतनी सारी नहीं कि पैसा किस तरह से देंगे। वोडाफोन आइडिया के बारे में इस तरह की सोर्सेस बता रहे हैं दोस्तों, इस तरह की रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया कंप्लीटली बंद हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी, ऐसा तो दोस्तों दूर दूर तक दिखता नहीं बेटे, क्योंकि वोडाफोन दोस्तों यूके बेस्ट नंबर 1 कंपनी है टेलीकॉम के अंदर। और अगर बात करें आइडिया की तो आदित्य बिरला ग्रुप दोस्तों बहुत बड़ा ग्रुप है टाटा के बाद, यही ग्रुप ऐसा जो नामची बोला जाता, तो ये दोनों ही ग्रुप बड़े हैं दोस्तों, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर के अंदर दोनों को बड़े बड़े घाटे हो रहे हैं ऑलरेडी, इनके ऊपर ऑलरेडी कर्ज बहुत ज्यादा था, इसलिए इनका शेयर गिरता जा रहा था। और जिस दिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, इन कंपनियों की हालत और भी पतली हो चुकी, खास करके वोडाफोन आइडिया की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स। और अब एक नया अपडेट यहां पे निकल के आया आज कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कर दिया दोस्तों यहां पे कि 3 महीने के अंदर आपको पैसा यहां पे देना है,
यस दोस्तों, सिर्फ 3 महीने की यहाँ पे मोहलत दी गई, 3 महीने के अंदर आपको यहाँ पे डीओटी को यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को आपको ये पूरा पैसा देना पड़ेगा। अब दोस्तों ये कंपनियां क्या करने वाली, कहाँ से पैसा लाएगी, कौन सी लोन लेगी, दोस्तों यहाँ पे कुछ रस्ते बताए जा रहे हैं कि कंपनियां हो सकती है सरकार से गुहार लगाए कि हमें कुछ आप एक्सटेंशन दे दीजिए, क्योंकि देना तो सरकार को ही पैसा, सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया आपको पैसा देना, लेकिन सरकार अगर इनको रियायत दे सकती है या कुछ पैकेज दे सकती है या कुछ डिस्काउंट दे सकती है या कुछ ईएमआई वाला पोर्शन दे सकती है कि आप इतने थोड़े थोड़े में पैसा हमें दे दीजिए, लेकिन पैसा तो दोस्तों महीने देना ही पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। उन्होंने अगर जजमेंट दे दिया, उन्होंने अगर बोल दिया तो इनको पैसा देना ही पड़ेगा, कहीं जाने वाले नहीं है। तो दोस्तों सबसे बड़ा झटका यहां पे लगने वाला है एयरटेल को और वोडाफोन आइडिया को, जिन्हें 80,000 करोड़ रुपए देने और लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से सिर्फ 3 महीने दोस्तों इनको मिले, 3 महीने के अंदर इनको सारा का सारा यहां पे भुगतान करना पड़ेगा डीओटी यानी सरकार को फ्रेंड्स यहां पे। तो ये थी एक बड़ी अपडेट दोस्तों, प्लीज मुझे बताइए कि आप कितने चिंतित हैं इस बात के होने के बाद, दोस्तों आपको क्या लगता है कि कंपनियां किस तरह से पैसा देगी, और मुझे ये बताइए कि वोडाफोन आइडिया इस झटके को किस तरह से संभल सकेगी, वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर सकेगी या उन्हें अपनी सर्विसेज बंद करनी पड़ेगी, प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। और ये वीडियो को अच्छा लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो एक थम्स अप तो बनता ही, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पे हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो नीचे आपको लाल कलर का बटन देखेगा, उसे सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए, उसको दबाने से हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के वीआईपी मेंबर बन जाएंगे। उसके पास ही देखिएगा आपको एक घंटी का बटन, उसको जोर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।